नमस्कार दर्शकों स्वागत है आपका आज के हमारे कृषि दर्शन कार्यक्रम में दर्शकों जैसा कि आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आते हैं कृषि एवं बागवानी से संबंधित अनेक विषयों पर विभिन्न जानकारियां तो दर्शकों ऐसी कार्यक्रमों की श्रृंखला में आज हम आपके लिए जो हमारे आज के कार्यक्रम का विषय है वो है गेहूँ की फसल में पीला रतुआ रोग और उसका प्रबंधन और इस विषय में अधिक जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ जो विशेष मेहमान हैं वे हैं डॉक्टर सुनील ठाकुर जी जो विषयवाद विशेषज्ञ हैं मशोबरा में शिमला के अंदर तो डॉक्टर साहब आपका हमारे स्टूडियोज़ में स्वागत है आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी तो डॉक्टर साहब जब हम बात करते हैं गेहूं की और उसके अंदर जो रोग हैं उसमें हम देखते हैं कि मुख्यतः पीला रतुआ रोग आ रहा है और इस इस ये रोग किस तरह का है सर और किस तरह से इसमें हम मैनेजमेंट करते हैं और कितनी गंभीर ये बीमारी है गेहूं में जी देखिए इससे पहले कि हम पीला रतुआ के बारे में विस्तृत चर्चा करें उससे पहले हम चाहते हैं कि अपने जो दर्शक लोग हैं उनको हम पहले गेहूँ के जो महत्वता देते हैं कि हमारे जीवन में गेहूँ का कितना महत्व है जी सबसे पहले तो अगर हम देखेंगे तो हमारा जो नाश्ता होता है हमारा लंच या डिनर होता है उसमें जो हम कई ऐसी चीज़ें जो हम गेहूँ से बनी खाते हैं जी। जैसे चपाती हो गई परौंठा हो गया आपके मैदा से बनी कोई चीज़ हो गई या फिर पास्ता हो गया जी। या फिर कोई आपकी मिठाई हो गई वो सारी गेहूँ से बनी होती है इसके अलावा जो है जो इसका भूसा होता है गेहूँ का वो हमारे जो है मवेशियों के चारे के रूप में भी इस्तेमाल में लाया जाता है और जहाँ तक इसकी जो हमारे देश में आर्थिक से संबंधित हम रखते हैं तो हमारे देश में लगभग 30 मिलियन हेक्टेयर पे इसकी खेती होती है और 112 मिलियन टन जो इसका उत्पादन होता है और उसमें से जो है पेड़ा के आंकड़ों के तहत जो उन्होंने 2022 हज़ार के सार्वजनिक किए उसके तहत हम जो है सैंतालीस लाख टन जो है इसका निर्यात करते हैं और उसमें जो है लगभग बारह हज़ार करोड़ रुपए का जो है व्यापार शामिल रहता है तो सब बता सकते हैं कि इसकी महत्ता जो हमारे देश की आर्थिक लिए भी कितनी जी, है जी, और जब हमारी इतनी इस पर हम हमारे लिए महत्व रखता है और इसमें जब पीला रतुआ जैसी गंभीर बीमारी से इसमें जो प्रभावित होता है इसका उत्पादन जी, तो उसे हम देख सकते हैं कि हमारे हम पे इसका कितना प्रभाव पड़ता है जी, तो पीला रतुआ की जब हम बात करते हैं जो पीला रतुआ एक पक्सिन्यास स्ट्राइफॉर्मिस नामक जो फफूंद है या कवक उसे कहते हैं उससे जो है ये फैलता है जी। जो इसका ये रोगाणु है तो पीला रतुआ जो है ये 2015-16 में इसका एक बहुत ही गंभीर जो है अटैक गेहूं के इसमें हमारे देश में हुआ था और ये जो पीला रतुआ है ये जो हमारे गेहूं होता है इसकी पत्तियों पे जो है ख़ासतौर पर अटैक करता है जी तो सर जैसे हम इस रोग के लक्षणों के बारे में बात करें तो किस तरह के लक्षण हमें दिखते हैं फसल के ऊपर ताकि हम पता लगा सकें कि इस पर पीला रतुआ ही लगा है या फिर वो जो पीलापन है वो वैसे ही है उस आ, उसके पौधे में चिक्यतः जो है आप जब गेहूँ की फसल जब आप बोते हैं उसके बाद जब दिसंबर के दूसरे हफ्ते से लेकर फरवरी के पहले हफ्ते तक जो है ये बीमारी जो है खेतों में आती है जी सर्वप्रथम इसमें जो हम देखते हैं कि इसके लिए जो है एक तो ठंडा और थोड़ा नमी वाली जो है कंडीशन चाहिए होती है जी। जब टेम्परेचर हमारा रात का सात से तेरह और दिन का पंद्रह से चौबीस डिग्री होता है और हमारी जो है आर्द्रता लगभग पचासी प्रतिशत से ज़्यादा हो तो उस कंडीशन में ये फैलता है और इसमें जो है पीले रंग के पुस्ट्यूल जो हैं वो जो है पत्तों पे आते हैं जो आपके गेहूं के पत्ते होंगे उस पे आएंगे यदि आप अपने खेतों से गुजर रहे हैं और आप अपने जो पत्ते हैं गेहूं के उनको छुएंगे तो आपके हाथों में वो पीलापन आ जाएगा और आपके कपड़ों में भी वो पीलापन नजर आएगा और साथ ही साथ जो है उसमें जो पीला जो पॉस्टूज आते हैं वो एक धारी के रूप में आते हैं जी, इसी वजह से जो है पीला रत्ुआ को हम धारी धार रत्ुआ भी कहते हैं तो आप देखेंगे जो उसकी वेंस होती है उसकी जो है धारी धारी में बन ये आएंगे ये इसके जो है एक सबसे अलग जो है एक फीचर है तो आप इससे अंदाजा लगाते हैं कि आपके खेत में पीला रतुआ का जो है अटैक हुआ है या नहीं जी तो सर जैसे हम लक्षणों की बात करते हैं तो पीलापन जो हम बात कर रहे हैं तो वो किस समय पे दिखता है जनरली गेहूं के अंदर जब हम बात कर रहे हैं वही मैं कह रहा हूँ कि जैसे पंद्रह फरवरी के पंद्रह दिसंबर के बाद से और जो आपका फरवरी का पहला हफ्ता है जी इसके बीच में जो है इसका जो है ज़्यादा जो है खेतों प्रकोप, में आक्रमण या प्रकोप रहता है जी तो सर जैसे हम गंभीरता की भी बात कर रहे थे तो ये कितनी गंभीर बीमारी है किस तरह से अटैक करती है और गेहूँ के जो उत्पादन के ऊपर हम अगर बात करें तो किस तरह से ये प्रभाव डालती है जो खासतौर पे जो उत्तर भारत है उत्तर भारत क्षेत्र है इसमें जो है बहुत ही एक गंभीर बीमारी का ये रूप कई बार ले लेती है पंद्रह सोलह में जो है विशेषकर भारत में बहुत इसका प्रकोप देखा गया था जी। ये जो है आमतौर पर वैसे तो 40 से 45 प्रतिशत जो है जो है उत्पादन घटाती है पर इसके व्यापक व्यापक या गंभीर जब इसका रूप लेती है तो ये सौ प्रतिशत तक जो है हमारे उत्पादन को प्रभावित कर सकती है और जो ये पीला रतुआ है ये होता जो है कि ठंडे जो आपका इन्वायरमेंट होगा वहीं पे ये फैलता है इसलिए जरा ये उत्तर भारत तक या हमारे जो नॉर्थ ईस्ट जो पार्ट है भारत का वहाँ तक तो ही सीमित है जी, आप इससे नीचे सेंट्रल इंडिया या आप दक्षिण भारत जाएंगे तो, तो वहाँ पे इसका प्रकोप आपको नहीं दिखेगा जी तो ऐसा इसके क्या कारण है डॉक्टर साहब कि जो साउथ है वहाँ पे ज़्यादा प्रकोप नहीं दिखता है और उत्तर में ज़्यादा दिख रहा है जी सर आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया जो इसका पैथोजन होता है पक्सिनिया स्ट्राइफॉर्मिस जी ये जो है एक तो एक ठंडे वातावरण में रहता है जी तो जब ये गर्मियाँ आती है तो गर्मियों में जो अगर ये होगा तो वो वहाँ ख़त्म हो जाता है मर जाता है जब ये गर्मियों के टाइम में जो है ये हमारे हिमालय के उत्तरी क्षेत्र हैं जो लगभग सात हज़ार फीट से ऊपर है वहाँ पर जो खुद ब खुद गेहूँ लगती है या फिर जो ऑफ सीजन जो वहाँ पे गेहूँ उगाई जाती है इन क्षेत्रों में वहाँ पे अपना जो है गर्मियों का समय बिताता है बल्कि इसके विपरीत जो हमारा मध्य भारत है या दक्षिण भारत है उसमें गर्मी होती है जी तो उसके वजह से वहाँ ये पर्व नहीं पाता है जी और जब सर्दियाँ आती है तो ये दक्षिण तब ये हिमालय पर्वतीय क्षेत्र से जो हमारे मैदानी क्षेत्र है ना उत्तर भारत में वहाँ पे ये फैल जाता है जी। तो इसी कारण जो है ये जो है उत्तर भारत तक सीमित है दक्षिण या मध्य भारत में इसका प्रभाव नहीं देखा गया जी सर जैसे हम आज के समय में देख रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन भी है तो क्या जलवायु परिवर्तन भी एक कारण है इसके कहीं किसी जगह पर ज़्यादा फैलने का या फिर कम फैलने के लिए जलवायु को जो आपने परिवर्तन की बात कही तो मैं इसमें कहना चाहूँगा कि जो इसका एक तो ना टेम्परेचर चाहिए होता है अगर 25 डिग्री से ऊपर इसका जो है ये सरवाइव नहीं कर पाता है ये मर जाता है अगर बात हमारे जलवायु में अगर इसका प्रभाव पड़ता है और हमारे जो है जैसे कहते हैं कि टेम्परेचर राइज़ हो रहे हैं तापमान बढ़ रहा है तो अगर पच्चीस डिग्री से ऊपर जाएगा तो इससे बात होगी कि इसका जो प्रभाव कम देखने को मिलेगा परंतु कई बार हमने देखा है कि टेम्परेचर हमारे डाउन भी जाते हैं और प्लेन्स में हमारे कम टेम्परेचर रहते हैं इसकी वजह से जो इसका प्रभाव जो है जो हमारे मैदानी क्षेत्र है उत्तर भारत में उसमें इसका प्रभाव जो है बढ़ता हुआ दिखा जा रहा है जी तो सर जब हम इस बीमारी की बात करें तो इसके रोकथाम के क्या उपाय रहते हैं सर्वप्रथम तो मैं ये कहना चाहूँगा अपने किसान भाइयों को कि जब भी आप दिसंबर जनवरी और फरवरी के महीने में अपने खेतों में जाते हैं तो एक उसकी जो है मॉनिटरिंग करें सर्विलेंस करें और उसका जो है देखें कि कहीं आपके खेत में कोई ऐसा अफेक्टेड पौधा तो नहीं है इसका गेहूँ का यदि कोई आपको दिखता है तो आप उसको उखाड़ें और उसको दबा दें ताकि उससे जो है दूसरे जो और पौधे हैं उस पर उसका संक्रमण ना हो सके साथ ही साथ जैसे मैंने बताया कि ये जो है आद्रता इसको चाहिए होती है नमी वाला इसमें जो सिचुएशन होती है उसमें ये फैलता है तो खेतों में पानी को खड़ा ना होने दें दूसरा आप जो है रोग रोधी फसलों का जो है जो किस्मों का है उनका लगाएं और जो किस्म जिस क्षेत्र के लिए जो अनुमोदित की जाती है उसी क्षेत्र में उसको लगाएं साथ ही साथ आप जो है जो खाद होती है हमारी उसको जो अनुमोदित होती है जो रिकमेंडेड होती है हमारे जो हमारे किसानों के लिए? किसानों लिए के 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 होती, होती है जो हमारे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी द्वारा की गई है उसके अनुरूप ही जो है अपनी खाद को खेतों में डालिए जी तो सर जैसे हम खाद की बात भी करते हैं तो क्या वो भी प्रभाव डालती है इस बीमारी के ज़्यादा बढ़ने में या कम होने में जी हाँ जैसे जी। कि मैंने कहा कि खाद जो है अनुमोदित तरीके में ही डालें क्योंकि कई बार हमने देखा है कि किसान देखता है कि उसके खेत पत्तों में पीलापन आ रहा है पीलापन आने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं हो सकता है कि उसकी जो है जड़ों तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही है मैंगनीज़ या सल्फर की कमी भी हो सकती है तो अगर तो फार्म किसान क्या कहता है उसमें वो एकदम से खाद डालना शुरू कर देता है पर ऐसा जो अध्ययन में पाया गया है कि अगर आप ज़्यादा नाइट्रोजन खासतौर तो पर नाइट्रोजन की खाद डालेंगे तो वो जो है इस बीमारी की गंभीरता को बढ़ाता है जी तो किसान भाई जो है अनुमोदित जो हमारे डोजेज है खाद की उससे ज़्यादा खादों का प्रयोग ना करें तो सर जैसे हम देखते हैं कि जो किसान है वो क्योंकि बारह महीने अलग अलग फसलें लगती हैं खेतों में तो जब हम देखते हैं कि गेहूं की फसल लगती है तो उससे पहले कोई दूसरी फसल भी होती जी है जी तो जब उस दूसरी फसल से क्या सर कोई फर्क पड़ता है कोई संक्रमण का खतरा रहता है अगली फसल में आ, तो उसके लिए कुछ उपाय होते हैं नहीं सर जैसे कि मैंने बताया कि जी हर जो <coughs> ये रोगान होते हैं इनका जो अपना एक टेम्परेचर तापमान होता है और एक अलग जो कंडीशन होती है कोई आदरता में रहता है कोई कम आदरता में रहता है होता है और जो कई जो बीमारियां होती है वो जो है एक फसल कहीं होती है क्रॉप स्पेसिफिक होती है उसमें लगती है तो जैसे हम पीला रतुआ की बात करें तो पीला रत्ुआ जैसे मैंने कहा कि गर्मियों का टाइम जो है वो हिमालय क्षेत्र में जो है ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जो है वहाँ भी ये गेहूँ पे ही जो है वो करता है जी। बल्कि यह भारत में ऐसा है अमेरिका में आप देखेंगे तो वहाँ बर्बेरिस नाम का एक पौधा होता है उसमें ये अपनी गर्मियों का टाइम काटता है पर भारत में अभी तक बर्बेरिस का नहीं पाया गया उसमें अभी गेहूँ ही पाया गया है जी तो सर जैसे हम देखते हैं कि मॉनिटरिंग की ज़रूरत है बार बार हमें देखना है अपने खेतों को तो इसमें किस तरह से चीज़ें अपनाई जाती हैं डिजीज़ मॉनिटरिंग की अगर हम बात करें तो क्या तरीके हैं इसमें किसान को चाहिए कि वो हर दो तीन दिन में अपने खेत में एक बारी घूमें और वहाँ एक बारी देखे कि जो लक्षण हमने बताए हैं कि धारीदार जो उसमें पीले धब्बे आते हैं और उसमें पीला पाउडर भी आपके हाथों में रहता है कि वही वो तो नहीं है जिसको मॉनिटरिंग आपको लगातार करती रहनी पड़ेगी पंद्रह दिसंबर से लेकर आपको पहली फरवरी तक जी क्योंकि यही जो बीच में पीरियड होता है जिसमें ये इसका प्रकोप ज़्यादा रहता है जी। तो इसी तरह से जो आप इसकी मॉनिटरिंग कर सकते हैं और साथ ही साथ जो है साथ लगते है जो खेत हैं आपके खेत हो सके तो आप उनको भी कहिए ताकि जो है पूरे जो है वहाँ का बड़े क्षेत्र में जो इसकी हमारी इस बीमारी का रोका जा सके जी तो सर जैसे हम रोग प्रबंधन की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि दवाइयाँ छिड़काव किए जाते हैं कुछ इसके लिए भी क्या कोई फंजीसाइट्स हैं या कोई दूसरी दवाइयाँ हैं जिन्हें हम उपयोग करते हैं फील्ड में जी इसके लिए जो है जो कृषि विश्वविद्यालय द्वारा जो अनुमोदित है वो है एक प्रोपिकोनाजोल जी नाम का है वो टिल्ट आदि नामों से के ट्रेड नेम से बाजार में आती है जी तो प्रोपिकोनाजोल पच्चीस परसेंट इसी के होती है तो इसका जो छिड़काव है किसान जो है पंद्रह फरवरी पंद्रह दिसंबर लेकर फरवरी के पहले हफ्ते तक कर सकते हैं जी। दस से पंद्रह दिन के अंतराल पर जी। और ये जो है तीस एम एल ती, तीस एम एल तीस लीटर पानी में घोल कर प्रति कनाल के लिए बीघा की बात करें तो आप इसको दोगुना कर दो साठ एम एल साठ लीटर पानी में प्रति बीघा के लिए जी। इसके अलावा जो है एक मिक्सचर आता है ट्यूबा कनाजोल और ट्राईफॉक्सी का और जो नाटो आदि ट्रेड नेम से आता है बाज़ार में तो उसका भी आप जो है 24 एम प्रति 40 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव कर सकते हैं और ये छिड़काव जो आपको 10 से 15 दिन के अंतराल पर करने, करने होते, होते हैं।, हैं जी तो सर जैसे हम इसकी दवाइयों के छिड़काव की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि एक जब ये आता है रोग या तो उससे पहले किया जाता है या उसके आसपास में जब आता है तो उसके जब हम हार्वेस्टिंग करते हैं सर अपने उत्पादन लेना है तो उस समय तक कब तक हम डाल सकते हैं उसकी कोई सीमा है दवाई छिड़काव की वैसे तो फरवरी में आपका जो है छिड़काव वैसे आपको बंद कर देना चाहिए कि उसके बाद जो है जी जो ख़ासतौर मैदानी इलाके हैं वहाँ तापमान बढ़ने लगता है जी पर अगर फिर भी आप स्प्रे कर रहे हैं और आप लगता है तापमान कम है और आ सकता है आप स्प्रे करें तो आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि आप जब अपनी फसल कटाई करनी होगी उससे तीस दिन पहले उससे तीस दिन पहले से ही उसका जो है प्रयोग करना बंद कर दें ताकि इसमें जो है उसकी टॉक्सिटी ना रहे तो तीस दिन का जो है अंतिम छिड़काव और कटाई के बीच का अंतराल होना चाहिए जी तो सर जैसे हम देखते हैं कि ये जो फंगी साइड्स हैं आजकल हम देखते हैं कि दवाइयों का जो है ये डिपॉजिट कर जाती हैं ज़मीन को भी कई बार खराब करती हैं तो क्या इन दवाइयों में भी कोई इस तरह के गुण हैं जो ये, ये जो है करते वो खराब करते हैं फोलियर स्प्रे है जी ये पत्तों पर छिड़काव होता है जी तो इसका ज़मीन पर नहीं पड़ता है जैसे खाद का होता है इसका फ़र्क ज़मीन पर नहीं पड़ता है और तब भी हमें ये कहूँगा जो आपको रिकमेंड किया जाता है जैसे तीस एम एल तीस लीटर पानी प्रति कनाल जिन्हें बोला तो उसी के इसमें करें ज़्यादा ना करें क्योंकि जैसे हम बाद में देखते हैं कि सर हमने प्रोडक्शन तो ले ली है उसके बाद जो पराली होती है उसको कैसे मैनेजमेंट किया जाता है कई जगह जला दिया जाता है कभी ज़मीन पर रहती है तो क्या ये डिपॉजिट हो सकते हैं अगर आप मानते हो ऐसा आ, मतलब जो आपका कहने का मतलब है कि रोगाणु प्रतिकूल प्रभाव तो नहीं डालती है ज़मीन पर नहीं सर ये इसका प्रतिकूल प्रभाव नहीं है जिनका जो आपके ये होते हैं खाद जी खासतौर पे इनका जो प्रतिकूल क्योंकि ज़मीन में मिलते हैं इसलिए इनका जो है अच्छा या फिर कोई आप फंजी साइड वगैरह तो या फिर कोई और पेस्ट साइड आप ड्रेंचिंग करते हैं जमीन में तो उसमें उसका प्रभाव रह सकता जी। है जी तो सर जैसे हम देखते हैं कि कृषि विभाग जो है समय समय पर दूसरी स्कीम्स के द्वारा और बाकी चीज़ों के द्वारा भी इंसेंटिवाइज़ करता है किसानों को तो क्या इसके गेहूं के जब हम इसी रोग की बात करते हैं पीला रतुआ की तो इसके लिए क्या कोई सहायता प्रदान करता है किसानों को या फिर कोई ट्रेनिंग्स या इस तरह के कुछ चीज़ें होती हैं विभाग के द्वारा जहाँ तक गेहूँ की पीला रतुआ की बात है हम गेहूँ के लिए जो है सीड विलेज कैंप्स जो हम ऑर्गेनाइज करते हैं और इसमें जो है हम सोइंग से लेकर बिजाई से लेकर फसल की कटाई तक जो है एक पर्ट, पर्टिकुलर एरिया में कैंप्स लगाते हैं तीन चार कैंप्स होते हैं और उसमें जो हम कटाई से लेकर बिजाई से लेकर कटाई तक जो है हर एक चीज़ के बारे में बताते हैं चाहे वो कोई बिजाई कैसे करनी हो और जो उसमें बीमारियाँ थी खासतौर पर पीला रथ हुआ चूँकि वो उत्तर भारत की बहुत गंभीर बीमारी है गेहूँ की तो उसके जो हम उपचार का भी जो है और उसमें जो हम इकोनॉमिक प्रैक्टिस अपना सकते हैं इसकी रोकथाम के लिए तो उसका जो है प्रचार हम करते हैं इसके साथ साथ जो हमने इस टाइप के पैम्फलेट्स बनाए होते हैं इसमें जो है पूरी जानकारी हमारी पीला रतुआ के रोकथाम उसके लक्षण और उसके जो करैक्ट्रिस्टिक्स होते हैं उसके बारे में पूरी जानकारी दी होती है तो किसान भाई यदि ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो वो नजदीकी कृषि कार्यालय से ऐसे पैम्फलेट्स ले सकते हैं और वहाँ जाके इसकी ज़्यादा जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं तो सर जैसे आपने कहा एक रोग रोधी जो वेरायटीज़ हैं या किस्में हैं वो भी उगाई जाती हैं गेहूँ की क्योंकि हमें हमें तो ये चाहिए कि हमें वो रोग चाहिए ही नहीं तो ये जो रोग रोधी वेरायटीज़ हैं सर ये कौन कौन सी हैं हिमाचल के लिए कौन सी हैं और कौन कौन सी रिकमेंडेड हैं जो आप जी जी आ, करते हैं वैसे तो बहुत सारी इसकी जो है रोग रोधी किस्में हैं सबका नाम लेना तो यहाँ मुमकिन नहीं हो जाएगा परंतु दो किस्में ऐसी हैं एच पी डब्ल्यू तीन सौ उनचास और एच पी डब्ल्यू तीन सौ अड़सठ ये दो किस्में ऐसी हैं जो आपकी निचले पर्वतीय क्षेत्र जो मैदानी क्षेत्र जो 1000 मीटर से कम मध्य पर्वतीय क्षेत्र जो 1000 मीटर से 1500 मीटर तक की ऊंचाई वाले और उच्च पर्वतीय मध्य क्षेत्र जो पंद्रह मीटर से पच्चीस मीटर की ऊंचाई तक होता है इसमें जो है ये रिकमेंड की गई है ये किस्म और ये समय पे लगाने वाली अगेती पछेती नहीं है तो किसानों भाई सकें कि समय पे लगाने वाली फसल किस्म है तो उसको समय पर ही इसकी बिजाई करें इसके अलावा जो हमारे बरानी क्षेत्र बर्फानी क्षेत्र होते हैं जो बहुत ही उन्च, अधिक ऊंचाई वाले होते हैं जो पच्चीस मीटर से अधिक ऊंचाई वाले हैं उसके लिए जो है हिम प्रथम और सप्तारा नाम की जो दो किस्में हैं वो जो है अनुमोदित की जाती है जी तो सर ये जो किस्में हैं इसके लिए क्या कोई जो हम कल्चरल प्रैक्टिसेस की बात करते हैं तो क्या वो अलग रहती हैं सामान्य गेहूं के मुकाबले या फिर कुछ अलग से इसके लिए करना पड़ता है या खाद की मात्रा ज़्यादा कम कुछ इस तरह से की जाती है नहीं इसके लिए जो है सामान्य जो है नॉम प्रैक्टिस जो है हमारी जो है वो हमारी वैसे ही रहेंगी जो हमारी आम जो है बाकी किस्मों के लिए होती है जी तो सर जैसे हम इनकी बात करते हैं ट्रीटमेंट की स्ट्रेटजीज जो हमने अभी फंकीसाइड्स की भी बात की जो दवाई डाली जाती है तो उसमें स्ट्रेटजीज किस तरह से रहती हैं कितने समय समय पे वो देनी पड़ती हैं आ, जो ट्रीटमेंट्स हैं जैसे कि मैंने कहा कि आप वैसे तो दस तो से पंद्रह दिनों के अंतराल पर आप करें और फर्स्ट जो उसमें बीमार की गंभीरता को देख के इसको आपको इसको करना चाहिए दस से पंद्रह दिन के अंतराल पर और इसमें खासतौर पर यह भी देखा गया है कि जो आपकी बीमारी जो आती है जी। तो उसमें जब आप स्प्रे करते हैं तो उसको जो है उचित मात्रा में जितना आपको पानी बोला गया उस उचित मात्रा के में ही उसको घोलें, क्योंकि आप कम ज़्यादा किसान कर देगा तो उतनी जो है प्रभावी नहीं रहती है और यदि जब आप, आप इसका स्प्रे कर रहे हैं तो जब आप करते हैं तो उसके अगर दो घंटे बाद बारिश होती है तो आप धूप निकलने पर पुनः उसका स्प्रे करें ताकि जो है उसका प्रभाव जो है फसल पे रहे जी तो सर जैसे हमने पीला रतुआ की बात की ये एक गंभीर बीमारी है गेहूं के, के अंदर तो क्या इसके अलावा कोई और भी बीमारियां हैं जो हमारी फसल को प्रभावित करता है क्योंकि हम गेहूं देखते हैं क्योंकि स्टेपल क्रॉप है और आटे के लिए मोस्टली प्रयोग किया जाता है तो पूरा देश भर दुनिया भर में खाई जाती है तो इस तरह कौन सी बीमारियाँ और रहती हैं जो इसके अलावा प्रभावित करती हैं इस फसल खासतौर पर जो हम उत्तर भारत और विशेषकर जो हम हिमाचल की बात करते हैं तो इसके अलावा जो है एक करनाल बंट बीमारी होती है जो हमारे जो है गेहूं की फसल को जो है प्रभावित करती है जी। तो इसमें जो ये जो ये भी एक फफून जनित रोग है जी। और ये बीज से बीज और मिट्टी से फैलता है जी। तो इसको इसका है टीलेशिया इंडिका उसको हम निवोसिका इंडिका कहते हैं उससे ये फैलता है तो जो जिन फसलों या तो ये बीज से फैलेगा या फिर ज़मीन में जो है जो हमारी फफूंद है इसके टील रहते हैं तो उनसे भी ये फैलता है जैसे कि मैंने अभी बताया कि आपका पीला रतुआ ये हवा से फैलता है वो बीज जनित या भूमि मिट्टी जनित मृदा जनित नहीं है पर ये वाला जो आपका फफूंद है ये बीज जनित और ये जो तो इसके लिए जो है आपको इसमें जो होता है कि ये जो आप डिटेक्ट कर पाते हैं इसको मार्च में कर पाते हैं जब दाने बनने लगते हैं और सही से इसको अगर आपने डिटेक्ट करना है तो ये जो है जब आप इसको हार्वेस्ट करते हैं तब पाया जाता है या फिर थ्रेशिंग पे इसका डिटेक्शन होती है और इसमें जो है एक ही बाली में सारे नहीं होंगे ये अलग अलग दानों पे अपना प्रभाव दिखाएगा और उसमें भी कुछ आंशिक रूप से उनको प्रभावित करेगा इसलिए जो है कनाल बंट को आंशिक वंट भी कहा जाता है जी तो सर जैसे हम हिमाचल प्रदेश की बात करें क्योंकि आपने कहा कि ये उत्तर भारत में ज़्यादा प्रेवलेंट है डिजीज़ तो हिमाचल प्रदेश में किन किन जिलों में ये ज़्यादा पाई जा पाई गई है अभी तक अगर आपने स्टडी किया हो और किस तरह से वहाँ पे जो है प्रिवेंशन की जा रही है जो हिमाचल के जो मैदानी इलाके हैं जैसे ऊना हो गया जगह सोलन के मैदानी इलाके हो गया हमीरपुर हो गया जी यहाँ पर इसका प्रकोप जो है ज़्यादा पाया जाता है जी और क्योंकि ये पंजाब साल लगते इलाके भी हैं पंजाब में भी इसका प्रकोप पंजाब हरियाणा में भी इसका प्रकोप बहुत पाया जाता है जी जी तो, तो सर जब किसानों के फील्ड्स में ये रोग आता है तो क्या वो संपर्क करते हैं कृषि विभाग से और कृषि विभाग क्या कोई खुद भी उनको गाइडेंस देता है तो किस तरह से देता जी, है जी जी इसमें किसान जो है सर्वप्रथम जो है कृषि विभाग से ही जो संपर्क करता है और इसको जो है नियंत्रण डालने के लिए जो केंद्र सरकार के अंतर्गत एग्रीकल्चर कोऑपरेशन एवं किसान कल्याण विभाग है उनके और कृषि विभाग के जॉइंट वेंचर में एक टास्क फोर्स और पौध संरक्षण समिति का गठन किया गया है जो रोग की वास्तविक स्थिति और इसके प्रबंधन के लिए बनाई गई रणनीतियों का अवलोकन करती है और समय समय पर जो है आ, लोगों तक इस प्रबंधन को अपनाने के लिए अपना प्रयास करती है इसकी वजह से हम देखते हैं कि 2015-16 के में जब इसका प्रकोप बहुत था आ, का उसके बाद जो इसका प्रकोप बहुत ही कम जो है देखने को मिला है तो ये इसी के कारण है जी तो सर जैसे आपका जो कार्यालय है मशोबरा में है तो क्या आपसे संपर्क कर सकते हैं किसान और आसपास में जो किसान है वो करते भी होंगे तो अगर जो हमारे प्रदेश भर के किसान हैं या देश भर के भी हैं तो वो आपसे कैसे संपर्क कर सकें कृपया बता सकते हैं आप तो। जैसे कि हमारा कार्य क्षेत्र तो जैसे जी विकासखंड मशोबरा में मैं कार्य रहता हूँ तो हमारा कार्य क्षेत्र थोड़ा सीमित रहता है जी पर अगर यदि प्रदेश के विभिन्न भागों से विभिन्न भी भागों से, से लोगों को इस समस्या आ रही है तो वो हमारे कृषि निदेशालय में संपर्क कर साध सकते हैं जो हमारा वहाँ का नंबर भी है जीरो एक सौ सतर अट्ठाईस तीस एक सौ बासठ या फिर अट्ठाइस तीस एक सौ चौहत्तर पर संपर्क साध कर इसकी बीमारी के लिए रोकथाम की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं जी <coughs> तो डॉक्टर साहब क्या आपका जो विभाग है वो ट्रेनिंग्स और कैंप्स भी आयोजित करता है अभी आजकल में करता है या किस समय में करता है हमारा जो कैंप वगैरह का है जी हमारा जो कैंप वगैरह का रहता है वो ख़ास तौर पर सर्दियों के मौसम में रहता है क्योंकि यही एक जो पीरियड है <coughs> गेहूँ के जो है ग्रोथ का जो है ये पीरियड होता है और इसमें बहुत ही फसल सेंसिटिव रहती है जी विभिन्न रोगों के लिए जी तो हम जानते हैं कि जाहिर तौर पे ये एक बीमारी है जो गेहूं के लिए घातक है और उसके उत्पादन को भी कम कर रही है तो सर हम आपने हमारे कार्यक्रम आप हमारे कार्यक्रम में आए और हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण तो जानकारी दी उसके लिए आपका धन्यवाद बहुत और दर्शकों आपसे मिलेंगे अगले इसी कार्यक्रम के अगले अंक में तब तक के लिए नमस्कार